हेलो एवरी वन वेलकम टू शिवी स्टडी शिप दिस इज़ चैप्टर सिक्सटीन ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री ऑलरेडी हम फिफ्टीन चैप्टर्स कम्प्लीट कर चुके हैं ये होगा हमारा चैप्टर नंबर सिक्सटीन तो इसलिए चैप्टर को बिल्कुल आपको फुल एक्सप्लेनेशन इसमें आपको मिलेगी और आपको चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनना है वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो पहले हम पढ़ेंगे ईरानियन इन्विजन के बारे में देखिए नॉर्थ ईस्ट इन जो इंडिया है हमारा उसमें उस समय बहुत छोटी छोटी और भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े बड़े किंगडम थे बल्कि उस टाइम पे छोटे छोटे जो किंगडम थे वो भी हुआ करते थे छोटे छोटे रिपब्लिक भी हुआ करते थे जो कि मगध एम्पायर की तरह बहुत बड़े नहीं थे हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि जो मगध था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल पावर बन चुका था तो इसके बराबर तो नहीं थे ये छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ थी लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी जो कम्युनिटीज़ थी वो उभर रही थी यहाँ पर लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था वो मर्ज हो गई किस में? जो मगधन एम्पायर है उसमें वो मर्ज होती चली गई उसी में मिलती गई नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिफरेंट पिक्चर्स देखने के लिए मिलेगी सिक्स सेंचुरी के आसपास सेवरल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ सच दोज ऑफ कम्बोज कांधार मद्रास फॉर वन अनदर तो यहाँ पर और दूसरी जो छोटी स्मॉल ये प्रिंसिपलिटीज़ के बारे में जो बता रखा है जिसमें कम्बोज था कांधार था मद्रास था तो ये मगध के जितनी पावरफुल नहीं थी लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आपस में इनमें भी जो फाइट है वो होती रहती थी तो अभी तक कोई भी एम्बार मगध के जितनी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल तो नहीं थी एज द एरिया वॉज़ फर्टाइल एंड रिच इन नेचुरल रिसोर्स इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ इट्स नेपर जो मगध का जो एरिया था हम सबको पता है कि वो ज़्यादा पावरफुल क्यों था क्योंकि उसके पास एक तो फर्टाइल एरिया था काफ़ी रिच था वो नेचुरल रिसोर्सेज में तो इसलिए जो उसके आसपास के जो नेबर जो स्टेट थे सबकी जो नज़र थी वो उस पर रहती थी In addition, it could be easily penetrated through the pass in the in the Hindu Kush. The Alkmaanian ruler of Iran, who expanded their empire at the same time as the Magad princes took advantage of the political disunity on the northwest frontier. तो देखिए शुरू से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जो इंडिया का जो नॉर्थवेस्ट जो फ्रंटियर था, कि एकदम वीक पार्ट रहा है। यहाँ से ही जो बाहर जो फॉरेन जो फॉरेन पावर थी वो हमेशा यहीं से इंडिया में एंटर करती थी क्योंकि यहाँ पर उस समय कोई बहुत ज़्यादा जब भी यहाँ पर कोई वीक रूलर आता था या कोई वीक किंगडम यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता था तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे ये बाहर से आने वाले फॉरनर्स और ये इनको हरा के इंडिया में घुसने का इनको रास्ता मिल जाता था अब जो आर्कपेरियन रूलर हैं जो उस समय ईरान में रूल कर रहे थे इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया इस साइड अब जो मगध प्रिंसेस थे जो मगध में रूल कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल जो डिस थी वो बहुत ज़्यादा थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो उधर से ईरान की तरफ से ईरानियन रूलर बढ़ रहे हैं और इधर से जो भगध के रूलर से वो बढ़ रहे हैं अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए ईरानियन रूलर डेरिस पैनिट्रेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन फाइव हंड्रेड एंड एनेक्स्ट पंजाब इंडस और सैन धीरे धीरे जो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इधर ईरान जो ये डेरियस रूलर है ईरानियन रूलर उसने इधर आते आते पंजाब को जीत लिया जो इंडस रिवर के आसपास का एरिया उसको जीत लिया और सिंध के आसपास पास का जो एरिया है उसको जीत लिया और सब कुछ इसमें मिला लिया अपने एम्पायर में मिला लिया ओके okay. आगे देखते हैं दिस एरिया वॉज कन्वर्टेड इंटू द ट्वेंटी प्रोविंस और द सट्रपी ऑफ द ईरान तो अपना जो ईरान वाला एरिया था उसमें मिला लिया और अब ईरान की छोटी छोटी जो प्रोविंस थी वो मिला के कितनी हो गई थी ट्वेंटी एट हो गई थी द इंडियन सेट्रपी इंक्लूडेड सिन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द पार्ट ऑफ पंजाब डेट ले टू द वेस्ट ऑफ़ द इंडस इट वॉज मोस्ट फर्टाइल तो आप सबको पता है कि जो ये एरिया था इंडस के आसपास का भी या ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट था समय ये भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था इट पेड अ ट्रिब्यूट ऑफ थ्री सिक्सटी टैलेंट ऑफ गुड विच अकाउंटेड फॉर वन थर्ड ऑफ द टोटल रिवेन्यू ईरान रिसीव तो यहाँ से अब ईरान को बड़ा फ़ायदा हुआ और जितना उसको ईरान में रेवेन्यू के तौर पर मिल भी नहीं रहा था उससे बहुत ज़्यादा उसको इस वाले एरिया को जीत के मिल रहा था द इंडियन सब्जेक्ट वर ऑल्सो इन ईरानियन आर्मी अब जो यहाँ पर जो रहने वाले जो इंडियंस थे उन्होंने भी किसको ज्वाइन कर लिया ईरानियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया इन द लॉन्ग वॉर अगेंस्ट द ग्रीक अब यहाँ पर धीरे धीरे जो ईरानियन थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पार्ट है वहाँ पर वो बस चुके थे उन्होंने अपनी आर्मी में भी जो इंडियंस हैं उनको रखना शुरू कर दिया और अब वो किसके खिलाफ लड़ने लगे जो बाहर से दूसरे फॉर्डर आ रहे थे ग्रीक जो लड़ने के लिए आ रहे थे उनसे अब वो उनके खिलाफ लड़वा रहे थे किसको अपने जो आर्मी है उसको भी और अपनी आर्मी में जो इंडियंस हैं उनको भी शामिल करके इट अपीयर्स डेट इंडिया कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ द इरानियन एम्पायर टेलेट इन्वेजन बाय द एलेक्सेंडर ठीक है तो ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया है वो जो जो जितना भी जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो पार्ट है वो इंडिया का तब तक रहा है सॉरी वो इरानियन एम्पायर में तब तक शामिल रहा है जब तक अलेक्जेंडर नहीं आ गया और अलेक्जेंडर जब आता है तो अलेक्जेंडर फिर इन सबको हटा देता है पावर में से है ना और फिर अलेक्जेंडर खुद जीत लेता है इस एरिया को ठीक है तो जब तक अलेक्जेंडर नहीं आता उससे पहले ये सारा कौन इस पर कैप्चर करके कर रखता है इस पार्ट को तो वो ईरानियन रूलर्स ही होते हैं जो उसको कैप्चर करके रखते हैं रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट द इंडो इरानियन कॉन्टेक्ट लास्टेड फॉर अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स तो कम से कम इंडिया के जो ईरानियन जो कांटेक्ट रहे हैं वो दो सौ सालों तक रहे हैं और एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका ट्रेड और कॉमर्स पर क्योंकि जब भी दो कल्चर मिलते थे तो उनमें ट्रेड और कॉमर्स तो बहुत अच्छा चलता था तो वही रिज़ल्ट यहाँ पर इसका देखा गया है कि ट्रेड और कॉमर्स पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है द कल्चरल रिज़ल्ट वर मोर सिग्निफिकेंट और यहाँ पर जो कल्चर रिजल्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जब भी दो कल्चर मिलते हैं तो हमेशा एक तीसरा कुछ क्या होकर निकलता है कुछ मिक्स उनका दोनों का होकर निकलता है कोई एक अलग कल्चर बनता है उससे जिसमें दोनों की जो चीज़ें होती हैं ना वो हम उस एक कल्चर में देख सकते हैं ईरानियन स्क्राइब्स ब्रॉड इंटू इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग डेट केम टू बी नॉन एज द खरोस्टी स्क्रिप्ट तो जो ये खरोस्टी स्क्रिप्ट है ये कहाँ से आई थी ये ईरान से आई थी जो ईरानियन जो स्क्राइब्स थे जो लिखते थे वो अपने साथ इस स्क्रिप्ट को इंडिया में लेकर आए थे और फिर इंडिया पे भी इस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला जिसका नाम था खरोस्ती ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट ठीक है ना लाइक द अरेबिक जैसे अरेबिक लिखी जाती है तो वैसे ही जो अरेबिक uh, जो लैंग्वेज होती है जैसे वो लिखी जाती है वैसे ही जो खरोस्ती है वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट सम अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया व रिटर्न इन द थर्ड सेंचुरी इन दिस स्क्रिप्ट यहाँ तक कि जो कुछ अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लगाए गए थे वो भी इसी स्क्रिप्ट में लिखे गए हो सकता है वो इसलिए लिखे गई हूँ क्योंकि अब यहाँ पर जो ज़्यादा जो लोग थे वो तो ही नहीं के थे जो ईरान और इंडिया का जो मिक्स था तो अब यहाँ पर लोगों के अंदर समझ आ चुकी थी इस खरोस्टी जो स्क्रिप्ट है उसको समझने की है विच कंटिन्यू टू बी यूज इन इंडिया टिल द थर्ड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी तक इस लैंग्वेज जो ये स्क्रिप्ट है इसका भारत में पूरी तरह से यूज़ हुआ है ईरानियन कॉइन और ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन विच पॉइंट टू बी एक्सचेंज ऑफ गुड विद ईरान तो जो ईरानियन कॉइन है वो भी आपको पूरा मिलेंगे क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे धीरे धीरे जो ईरानियन रूलर थे उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था अब जब कैप्चर करेंगे तो वहाँ पर ट्रेड भी हुआ होगा ट्रेड हुआ होगा तो कॉइन का भी जरूर एक्सचेंज हुआ होगा गुड्स का भी एक्सचेंज हुआ होगा तो इसीलिए उस टाइम की हमें बहुत सारे वहाँ पर ईरानियन से मिलती हैं कहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इट इज़ हाउ एवर रॉन्ग टू थिंक डट पंच मार्क कॉइन केम इन टू यूज़ इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्ट विद ईरान तो यहाँ पर अब जो पंच मार्क जो कॉइन है ठीक है ये भी इंडिया में इनका भी यूज़ होना शुरू हो गया था इरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मॉरियन स्ट्रक्चर इज क्लियरली परसटेबल एंड द मोन्यूमेंट्स ऑफ अशोक टाइम स्पेशली द बेल शिप्ड कैपिटल समथिंग टू इरानियन मॉडल तो कहीं ना कहीं अब जो दोनों जो कल्चर है वो चाहे उनकी मोन्यूमेंट को लेकर हो उनकी आर्किटेक्चर को लेकर हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अशोक के टाइम की जो मोन्यूमेंट थी जो उसकी स्पेशलिटी थी कुछ यूनिक जो उसके आर्किटेक्चर में था वो आपको सेम ऐसे ही कहाँ पर मिलेगा ईरान में मिलेगा और ईरान के जो मॉडल था उस समय वो आपको कुछ आपको जब आप इंडिया में अंदर आओगे तो वहाँ देखने मिलेगा तो कहीं ना कहीं दोनों की जो थिंकिंग है जो उनकी आर्किटेक्चर में जो स्पेशलिटी होती है वो एक्सचेंज हो रही है ईरानी इन्फ्लुएंस में ऑल्सो बी टू बी ट्रस्ट इन द प्रियम्बल टू द अशोक एडिक्ट एज वेल एज अ सर्टीन टर्म्स यूज इन दैम तो जो 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 ईरानियन इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो अशोक के एडिक्ट है उसमें भी

अब ईरानियन जब यहाँ पर आ रहे थे ठीक है ईरानी की वजह से जो ग्रीक है उनको भी इस बारे में पता चला कि जो इंडिया है उसके पास बहुत सारी वेल्थ है कि जब भी तो ईरानियन जो पीपल है वहाँ उधर खींचे चले जा रहे हैं इस चीज़ के बारे में फिर ग्रीक सोचते हैं कि चलो हम भी जाके देख लेते हैं विच वेटेड दे आर ग्रीट एंड लेट टू तो द एलेक्गजेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया और यही एक रीज़न बनता है कि जो एलेक्जेंडर है वो भी हमारे भारत में आता है अटैक करता है यही जानने के लिए कि देखिए भारत के पास कितनी वेल्थ है क्योंकि भारत का नाम तो बहुत था अब बात करते हैं अलेक्जेंडर के इन्विजन की तो इन द फोर्थ सेंचुरी बी सी द ग्रीक एंड द ईरानियन फाउट फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड तो दोनों में झगड़ा चल रहा था जो ईरानियन थे उनमें और जो ग्रीक थे उनमें कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम पूरे वर्ल्ड में कौन है लीडरशिप किसकी थी जो मैसेडोनिया की जो लीडरशिप थी वो अलेक्जेंडर के हाथ में थी द ग्रीक इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड द ईरानियन पावर ठीक है ना जो ईरानियन एम्पायर थी अब जो ग्रीक थे उन्होंने ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया अभी जहाँ पर जिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इंडिया के ईरानियन पावर बैठी थी अब ग्रीक आके उसको क्या कर देंगे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे अलेक्जेंडर कॉन्क्वाइड कर लेगा एशिया माइनर को इराक को और साथ में इराक को भी ठीक है अब ये सारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो से आगे का पार्ट है सारा किसके पास आ गया एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर बिलोंग करता था ग्रीक से फ्रॉम ईरान ही मास टू इंडिया अब ईरान तक पहुंचने के बाद अब भारत कितना ही दूर रह गया था अब वो भारत में चलता है उसकी जो ग्रेट वेल्थ है भारत की उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है तो वो अपना मन बना लेता है कि अब वो भारत भी जाएगा हैरोडोटस हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड द अदर ग्रीक राइटर हैड पेंटेड इंडिया एज अ फेबुलस लैंड विस्थ टेम्पर्ड एलेक्जेंडर टू इन्वेटेड जो हैरोडोटस है हम सबको पता है उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और जो दूसरे ग्रीक राइटर थे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बना रखी थी जो हैरोडोटस हैं उन्होंने भी अपनी कुछ राइटिंग वर्क में लिखा हुआ था कि जो इंडिया है वो एक बहुत ही फेबुलस लैंड है और उसके पास बहुत सारी वेल्थ है और उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू इंडिया को दिखाया हुआ भी था तो अब यही एक रीज़न बनता है कि जो अलेक्जेंडर है वो अब भारत में इन्वेट करने की सोच लेता है अलेक्जेंडर हैड अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर ज्योग्राफिकल इंक्वायरी एंड द नेचुरल हिस्ट्री तो उसका बड़ा उसको पैश, उसका पैशन था अलेक्जेंडर का नई नई जगह को जाना उसकी हिस्ट्री को जाना वहाँ इंक्वायरी करना ही हैड हर्ड एट द कैसपियन सी कंटिन्यू ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया तो वो कैस्पियन सी के बारे में भी सुनता है कि उसके ईस्टर्न साइड में क्या है इंडिया है ठीक है सॉरी जो इंडिया के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर क्या है कैस्पियन है ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द मिथिकल एक्सप्लॉय ऑफ द पास्ट क्नक्वायर whom he wanted to emulate and the surpass a political condition dekhte hain northwest india ki theek hai the area was parcel out into many independent monarchy and a tribal republic which was strongly wedded to the soil and a fierce dedication to princi principality in which they lived dekhi jo area tha na उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मैंने आपको पहले ही बताया है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था अगर वहाँ पर कोई है तो उसको अच्छा खासा रिवेन्यू मिल जाता था क्योंकि अच्छा खासा एग्रीकल्चर वहाँ पे हो जाता था एलेक्जेंडर फाउंड इट ईज़ी टू कॉन्क्वायर दीज प्रिंसिपैलिटी वन बाई वन लेकिन एक ख़राब बात जो थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की वो ये थी कि यहाँ पर डिस यूनिटी बहुत ज़्यादा थी छोटे छोटे जो लोग थे मतलब जो छोटी चुट छोटी जो प्रिंसिपैलिटी थी उन्होंने अपनी अपनी जगह बना रखी थी लेकिन जब भी कोई बाहर से अटैक होता था तो वो हमेशा सब क्या हो जाते थे कभी भी यूनिटी में मिल के उसको एक साथ होके नहीं लड़ते थे बल्कि वो सब अलग अलग ही रहते थे और किसी भी बाहर वाले के लिए कोई भी जब बाहर से कोई इंडिया में आएगा, आएगा अटैक करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी एक बहुत ही अच्छी आर्मी मेंटेन करके आएगा ऐसे ही तो मुँह आ नहीं जाएगा अब यहाँ पर जो बहुत तैयारी के साथ कोई इंसान अगर आ रहा है तो वो क्या सोच के आएगा कि भाई उसको अटैक करना पड़ेगा वहाँ और यहाँ पर जो आर्मी थी जितने भी जो रूलर्स ये बैठे होते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे ये सब अपने अपने अलग ईगो में बैठे होते थे कि हम साथ नहीं मिलेंगे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे जो बाहर से लोग आते थे वो एक एक करके इनको हरा दिया करते थे यहाँ पर भी यही होता है कि जो अलेक्जेंडर होता है उसके लिए बड़ा आसान होता है इस एरिया को कन्क्वायर करना क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी वो कभी भी एक साथ नहीं थी अमंग द रूलर्स ऑफ दीज टेरेटरीज़ टू वर वेल नोन इनमें जितनी भी जो ये छोटी छोटी टेरेटरीज हैं इनमें से दो हैं उनको बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी फेमस रहे हैं वो एक तो थे अम्भी ठीक है ये थे प्रिंस ऑफ तक्षशिला ठीक है ये तक्षशिला के प्रिंस थे और दूसरे थे पोरस ठीक है दूसरे पोरस पोरस का रूल कहाँ पर था ये झेलम और जो चेनाब रिवर है उसके बीच वाला पार्ट वो पोरस का था और तक्षशिला अम्बी उस पर रूल कर रहा था टुगेदर दे माइट हैव इफेक्टिवली रेसिस्टेड एग्जेंडर एडवांस बट दे कुड नॉट पुट अप अ जॉइंट फ्रंट अगर ये दोनों मिल जाते अम्बी और पोरस अगर मिल जाते तो एलेक्जेंडर को ये ईजिली हटा सकते थे उसको भारत में आने से रोक सकते थे लेकिन इन दोनों ने आपस में मिलकर कोई काम नहीं किया एंड द खेबार पास रिमेन अनकार्डेड और जो खेबार जो खेबर पास था जहाँ से जो फॉरनर्स थे वो भारत में एंट्री करते थे वो क्या रहता है उस, उसे कोई उसे मतलब कोई प्रोटेक्ट ही नहीं करता अब अलेक्जेंडर को तो रास्ता मिल जाता है आने का फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान अलेक्जेंडर अब कहाँ पर आ जाता है काबुल तक पहुँचाता है ईरान को जीतने के बाद काबुल तक आ गया और अब वो आगे बढ़ता है इंडिया की तरफ जो खेबर पास है वहाँ से थ्री ट्वेंटी में ठीक है पाँच महीनों तक फाइव मंथ टू रीच द इंडस तो उसको पाँच महीने लग जाते हैं जो इंडस रिवर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पाँच महीने लग जाते हैं अब उससे मिलता है अम्बी अम्बी मैंने आपको बता दिया तक्षशिला का रूलर था लेकिन ये क्या करता है ये सबमिट कर देता है अपने आप को किसके सामने एलेक्जेंडर की आर्मी के सामने क्योंकि उसको पता था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा अब एलेक्जेंडर ने अम्बी को तो हरा दिया वो तो पहले से ही हार गया ही रीच था झेलम अब वो पहुँचता है झेलम पर अलेक्जेंडर इनकाउंटर्ड द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट फ्रॉम द पोरस लेकिन यहाँ पर जो पोरस होता है वो हार नहीं मानता है. वो अलेक्जेंडर के साथ बहुत ही अच्छे से मतलब उसको रेजिस्ट करता है उसको रोकता है अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस लेकिन फिर भी जो अलेक्जेंडर है वो पोरस को हरा देता है मतलब पोरस फिर भी मतलब वो बहुत अच्छी फाइट देता है एक बहुत अच्छी टक्कर देता है उसको लेकिन वो जीत नहीं पाता अब अलेक्जेंडर उसकी इस ब्रेवरी और उसके इस करेज को देख के इंडियन प्रिंस के वो बहुत खुश हो जाता है और वो क्या करता है एलेक्जेंडर पोरस को उसका जो किंगडम है वो वापस से दे देता है ठीक है और उसको क्या बना लेता है अपना एल बना लेता है कि ठीक है अब हम दोस्त की तरह रहेंगे और तुम यहाँ पर आराम से काम करो ही देन एडवांस्ड एज़ फार एज द ब्यास रिवर और यहाँ पर अब वो ब्यास जो रिवर है वहाँ तक जाता है ही वॉन्टेड टू मूव स्टिल फर्दर ईस्ट वर्ड अभी वो इंडिया में ऐसा गुस्सा आ रहा है वो जाना चाहता था इस साइड भी ईस्ट वर्ड भी लेकिन जो उसकी आर्मी होती है वो क्या कर देती है वो रिफ्यूज़ कर देती है आगे जाने से जो क्रीक सोल्जर हैं वो यहाँ पर मना कर देते हैं कुछ इतनी सारी वो लड़ाइयाँ लड़ते हुए आ रहे थे पहले से इराक को जीता ईरान को जीता काबुल को जीता उनमें से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे कुछ इंजर्ड हो गए थे कुछ को कुछ बीमारियाँ हो गई थी द हॉट क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड टेन ईयर ऑफ कंटिन्यूस कैंपनिंग हैड मेड दैम टेरिबली होम सिक मतलब आप विश्वास मानो कि वो दस साल से लड़ते आ रहे हैं और जहाँ से वो आए थे वहाँ का क्लाइमेट इंडिया की क्लाइमेट से बहुत अलग था अब इस वजह से बहुत से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे दे हैड ऑल्सो हैड अ टेस्ट ऑफ इंडियन फाइटिंग क्वालिटीज ऑन द बैंक ऑफ द इंडियस ऊपर से उनको कोई ऐसा आइडिया भी नहीं था इंडियस के आसपास जब उन्होंने फाइट करी तो उनको उस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं था विच मेड दैम डेसिस्ट फ्राम द एडवासिंग फर्दर एज द ग्रीक हिस्टोरियन एरियन टेल्स इन द आर्ट ऑफ द वॉर द इंडियन वर्क फॉर सुपीरियर टू द अदर नेशन इनहेबिटेटिंग द एरिया एट दैट टाइम जो उस समय जो ईरानी जो ये एरियन है इन्होंने बताया है कि जो इंडिया के उस समय जो, जो सोल्जर थे वो बाकी सब जो और जो दूसरे जो आ, उस समय इंडिया के अलावा जो और भी जो बाहर इंडिया से किंगडम हुआ करते थे जिनको अलेक्जेंडर जीतता आ रहा है उनके अकॉर्डिंग इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे फाइट में तो यहाँ पर शायद अगर अलेक्जेंडर आ भी जाता था तो उसकी आर्मी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती क्योंकि ईरान की इराक की आर्मी से बहुत ज़्यादा बेटर थी उस समय इंडिया की आर्मी दिस वॉज ऑब्वियसली द किंगडम ऑफ मगध रूल्ड बाय द नंदाज और जिस समय एलेक्जेंडर अपना माइंड सेट बनाता है कि वो इंडिया में क्या अटैक करेगा उस समय मगध एम्पायर था और मगध एम्पायर में रूल चल रहा था नंदाज का और जो नंदाज की जो आर्मी थी वो अलेक्जेंडर की आर्मी से बहुत बड़ी थी सो डिस्पाइट द रिपीटेड अपील बाय द एलेक्जेंडर फॉर द एडवांस द ग्रीक सोल्जर रिफ्यूज़ टू बच अब यहाँ पर अलेक्जेंडर तो बहुत कोशिश करता है कि वो फाइट दे दें कड़ी कर दे लेकिन जो उसका सोल्जर्स होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं ठीक है बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते अब यहाँ पर होता क्या है आई एम ट्राइंग टू रोज द हार्ट Tata, डिस लॉय क्रस्ट विद द क्रेवन फीयर अब यहाँ पर देखिए जो इंसान ने कभी खुद से हार नहीं, जिसने कभी अपने दुश्मन के सामने हार नहीं मानी वो खुद अपने ही लोगों से यहाँ पर उसे हार माननी पड़ती है क्योंकि उसकी आर्मी तैयारी नहीं होती आगे चलने के लिए और वो उस डिफीट को फिर एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि अकेला तो हो जा नहीं सकता था ही वॉज फोर्स टू रीट्रीट एंड इस ड्रीम ऑफ ईस्टर्न एम्पायर रिमेन अनफुलफिल्ड और जो उसका सपना था कि वो पूरा जो ईस्टर्न साइड में भी अपना एम्पायर पूरा इस्टेब्लिश कर ले वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है और वो वापस से मतलब अपना जो मार्च है उसको वापस से वो इंडिया में ना करके वो वापस मुड़ जाता है अनटिल ही रीच द एंड ऑफ द इंडियन फ्रंटियर ही रिमेड इन इंडिया फॉर नाइनटीन मंथ ऑफ द कॉन्टीन्यूल बैटल लिविंग इन बैरली एनी टाइम टू ऑर्गेनाइज दिस कॉन्क्वेस्ट और वो यहाँ से फिर वापस चला जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने के बाद वो मान जाए उसकी आर्मी लेकिन उसकी आर्मी नहीं मानती तो फिर वो वापस चला जाता है स्टिल ही हैड मेड सम अरेंजमेंट मोस्ट ऑफ द कन्क्वायर्ड स्टेट व री स्टोर टू देयर रूलर हुटेड टू इस अथॉरिटी अब वो ईस्टर्न साइड पे तो भारत में आके अपने जो एम्पायर है उसको सेट नहीं कर पा पाया था लेकिन जितना भी स्टेट उसने जीत लिया था वो उसको क्या किया उसने जो उसके खुद के जो गवर्नर वगैरह थे वहाँ पर उन गवर्नर को बैठा दिया कि तुम संभालो इस एरिया को क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो तक तो उसने सारा एरिया जीत ही लिया था तो इसलिए वो सारा एरिया जो टेरिटोरियल था वो उसकी पोजिशन में आ चुका था और वहाँ पर वो अपने ग्री गवर्नर्स को बैठा गया था कि यहाँ पर अब तुम रूल करो ही ऑल्सो फाउंडेड अ नंबर ऑफ सिटीज़ टू मेनटेन इज पावर इन दिस एरिया यहाँ पर वो बहुत सारे जो शहर है ना जो सिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर बना देता है वो और वहाँ पर फिर उनकी जो पावर है उनको मेंटेन करके रखता है अपने ग्रीक गवर्नर के थ्रू रूल तुम करो लेकिन सब किसके अंडर करोगे मेरे अंडर करोगे अब देखते हैं जो अलेक्जेंडर आया भारत में उसके इन्वेजन के जो इफेक्ट है वो क्या पड़े अलेक्जेंडर इन्वेजन प्रोवाइडेड द फर्स्ट ओकेजन वैन एशियन यूरोप केम इनटू टू क्लोज कांटेक्ट विद द एशियन साउथ एशिया तो पहली बार जो एशियन यूरोप था वो भारत के कॉन्टेक्ट में आया था इस तरह से एलेक्जेंडर इंडियंस कैंपेन वॉज अ ट्रम्प एंड सक्सेस ही एडेड टू हिज एम्पायर इंडियन प्रोविंस तो उसने जो अपनी एम्पायर थी उसको जो इंडियन प्रोविंस है वहाँ पर उनको एज अ गवर्नर उसको लगा दिया था वॉ मच लार्जर दैन कॉन्क्वाइड बाय द ईरान ठीक है तो मतलब उसने यहाँ भारत के आसपास का भी इतना पार्ट जीत लिया था कि जितना मतलब वो ईरान का जो पार्ट था ना वो भी छोटा था हाउ एवर द ग्रीक पोजिशन इन इंडिया वर सो लॉस टू द मॉरियन रूलर लेकिन अभी तक तो ठीक था जो ये एलेक्जेंडर करके गया था लेकिन जब नंदाज के बाद जब मौरियाज का टाइम आता है तो जो ग्रीक की पावर होती है वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाती है क्योंकि जो मौरियाज है वो उस एरिया को जीत लेते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो पार्ट होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आउटकम आता है इसमें इन्वेजन के बाद वो होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द ग्रीस इन वेरियस फील्ड इंडिया और ग्रीस के बीच में जहाँ से एग्जेंडर आया था अब उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर अलेक्जेंडर्स कैंपेन ओपन अप फॉर डिस्टिंक्ट रूट बाई लैंड एंड सी एंड पेविंग द वे फॉर ग्रीक मर्चेंट एंड क्राफ्ट मैन जो एलेक्जेंडर का जो कैंपेन था इस वजह से चार रास्ते खुल गए थे बाई लैंड सी ठीक है ना इंग्लैंड का तो था ही और सी था अब ये रास्ते किसके लिए खुले हैं जो उस समय जो ग्रीक मर्चेंट्स थे उनके लिए जो ग्रीक में व्यापारी थे क्राफ्ट्समैन थे अब उन्होंने जो ट्रेड था इंडिया की तरफ अपना बढ़ाना शुरू कर दिया था ऑल दो वी हियर ऑफ सम ग्रीक लिविंग ऑन द नॉर्थ वेस्ट इवन प्रियर टू द एलेक्गजेंडर इन्वेजन द इन्वेजन मल्टीप्लाइड ग्रीक सेटलमेंट इन दिस एरिया तो यहाँ पर जिस भी एरिया को जो अलेक्जेंडर था पूरा जीत कर गया था वहाँ पर अब जो ग्रीक का जो सेटलमेंट था काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर सेट हो चुका था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी थी वो थी एलेक्जेंड्रिया एलेक्जेंडर ने फिर अपने नाम पर यह सिटी बना दी थी यहाँ पर और ये सिटी थी काबुल में क्योंकि काबुल को उसने जीत लिया था बॉक्फेला ऑन द झेलम एंड द एलेक्जेंड्रिया इन द सिंध तो ये दो थे ये ये बॉक्फेला था और ये अलेक्जेंड्रिया ये सिंध में थे ऑल दो द एंटायर एरिया वॉज कॉर्नकवाइड बाय द मोरियास और बाद में इनके अलावा और uh, जो बाकी जो एरिया था वो सारा जो मौर्याज थे उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था एंड द ग्रीक कंटिन्यू टू लीव अंडर वो चंद्रगुप्त मौर्य एंड द अशोक तो बहुत सारे जो ग्रीक हैं ऐसा नहीं था कि मौर्य के टाइम पर जो एरिया था मौर्यास ने जीत लिया था लेकिन ग्रीक को भगा दिया था नहीं अब जो ग्रीक थे वो किसके uh, अंडर रह के काम कर रहे थे चंद्रगुप्त और अशोक के अंडर रह के काम कर रहे थे अलेक्सेंडर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द जोग्राफी ऑफ द मिस्टीरियस ओशियन विच ही सॉ फर्स्ट टाइम एट द माउथ ऑफ द इंडस तो जो एलेक्जेंडर था वो जोग्रफ़ी को लेके काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था ठीक है ओशन की और पहली बार वो कब देखता है जब वो इंडस के जो इंडस जो रिवर है है ना जब वो वहाँ पर पहुँचता है ही दे फॉर डिस्पैच न्यू फ्लीट अंडर इज फ्रेंड न्यार्कस टू एक्सप्लोर द कोस्ट एंड सर्च फॉर द हार्बर तो यहाँ पर वो पहली बार कॉस्ट पे जाता है एक हार्बर के लिए सर्च करता है जैसे इंडस रिवर पर मिलता है ठीक है एज अ रिजल्ट अलेक्जेंडर हिस्टोरियंस लेफ्ट वैल्यूएबल जोग्राफिकल अकाउंट जो अलेक्गजेंडर के जो हिस्टोरियन है वो काफ़ी जो जोग्राफिकल जो अकाउंट है उनके ऊपर काफ़ी वैल्यूएबल जो इन्फॉमेशन है वो छोड़ के जाते हैं एंड ऑल्सो क्लियरली डेटेड रिकॉर्ड ऑफ एलेक्जेंडर कैंपेन जिसमें हमें अलेक्जेंडर के जितने भी कैम्पेन वगैरह हैं उसके डेटा रिकॉर्ड से मिलते हैं जिससे कि हम जान पाते हैं कि किस तरह से कौन से इवेंट उस समय हुआ होगा अलेक्जेंडर हिस्टोरियन also provide us important information about the सोशल economic कंडीशन ऑफ द टाइम तो उस समय की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी हमें जो अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिखे हुए अकाउंट से पता चल जाता है वो हमें सती सिस्टम के बारे में भी बताते हैं जो सेल ऑफ गर्ल्स इन द मार्केट प्लेस बाय द पुअर पेरेंट्स जो पुअर उस समय जो माँ बाप होते थे वो अपनी जो गर्ल्स जो जड़की बेटियाँ होती हैं उनको मार्केट में मतलब तो उनको बेच दिया करते थे एंड अ फाइन पीड ऑफ ऑक्सीजन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ठीक है जो ऑक्स वगैरह हैं वो उनकी भी मतलब उस समय यूज़ किया जाता था और उनका भी जो ब्रीड वगैरह उसको भी बेचना वगैरह होता था अलेक्जेंडर सेंट फ्रॉम देयर टू लैक ऑक्सीजन टू द मैसेडोनिया तो जो अलेक्जेंडर था उसने बहुत सारे जो ऑक्सीजन थे उनको खरीद के मैसेडोनिया भेजा था जिससे कि वो वहाँ ग्रीस में यूज़ हो सके उनका द आर्ट ऑफ कारपेंट्री वॉज मोस्ट फ्लरिशिंग क्राफ्ट तो कारपेंटरी की जो आर्ट थी इस समय बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी इंडिया में एंड द कारपेंटर जो थे वो बहुत सारे जो चेरियॉइड्स है, हैं बोट्स हैं शिप हैं वो सब चीज़ें उस समय बनाते थे बाई डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ पैटकी स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलेक्जेंडर इन्वेजन पेव द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ द मौर्न एम्पायर धीरे धीरे जो आसपास के जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो स्टेट थे जो वो वीक पड़ जाते हैं अलेक्जेंडर के टाइम तक तो, तो बहुत सही रहते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मौर्य जैसे जैसे एक्सपेंड करता है अपनी पावर को बढ़ाता है वो सब उन एरियाज़ को जीत लेता है According to tradition, Chandgupta Maurya, who founded the Mauryan Empire, had something of the working of Alexander military machine and acquired some knowledge that helped him to destroy the power of Nandas. यहाँ तक कि अभी जब Alexander भारत में आता है उस समय Nandas का ruler होता है. लेकिन जो Nand थे उनको हराने वाले थे Mauryas. और Mauryas ने बहुत कुछ सीखा था Alexander की army को देखिए तो बहुत सारी जो techniques थी उन्होंने Alexander की army से सीखी थी और वही use करी थी जब उन्होंने जो Nand है उनको हराया था. तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जो अलेक्जेंडर की मिलिट्री मशीन होती है उनसे मिली हुई जो नॉलेज होती है वो सब जो 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 है वो ऑब्जर्व कर रहे थे क्योंकि उनको नंदा को हराना था और मगध को जीतना था तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाता है ये पूरा चैप्टर हमने तो पढ़ लिया है ये क्रोनोलॉजी है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू